रोजी धम्म परिषदेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये थायलंड, जपान, मलेशिया, श्रीलंका येथून बौद्ध भिक्खू आणि बौद्ध विचारवंतांनी आपले विचार मांडले. तसेच बौद्ध धर्मविषयक जागरूकता पसरवण्यात आली व महत्व सांगण्यात आले. May Master Bhavaj Ramadhi grant high respect to all venerable here. Charan Pahan Kunyom Kakan Malik, Pradhan Mulaniki Kakan Malik. Good afternoon, Kakan Malik, the President of the Kakan Malik Foundation. And then Charan Pahan Kakumikia Thangmot, Thinam Yibon Bethi. And good afternoon, all of you on the stage here. Rao. ทำไมดาราบอลีวูดคนหนึ่งจึงกลายมาเป็นพระไปได้ I start with the question why a famous Bollywood like Gagan became a monk ผู้ชายคนนี้ไปพบอะไรที่เป็นเสน่ห์ของพระพุทธศาสนาหรือ from Bollywood to be a monk ใช่ไหมวันนี้ผมได้मुझे थैंक्स किया है और आप सभी को थैंक्स किया है यहाँ पर कि आपने उन्हें इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया वो बहुत खुश हैं पर फेमस है काफ़ी और थाईलैंड में भी फेमस है भिक्षु बनने के बाद 4 महीने के लिए वो थाईलैंड के लोगों के दिल में बसा और ज़्यादा जो है वहाँ पर फेमस हुआ मेरे मन में उनके मन में उनका कहना है कि ये ख्याल आ रहा था एक बॉलीवुड एक्टर जो एक्टिंग के अपने जीवन में खुश था वो अचानक से बुद्धिज्म के प्रति इतना ज्यादा काम कैसे करने लगा और बुद्धिज्म के प्रति उसका रुझान क्यों हुआ डॉक्टरल डिग्रीज फ्रॉम 5 यूनिवर्सिटीज वी गॉट हैव अमंग्स अस द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड अकॉम्प्लिश्ड बुद्धिस्ट मॉन्क ए स्कॉलर राइटर एंड ए सोशल एक्टिविस्ट सर टू काइंडली डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एंड डिक्लेयर द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इनका कहना ये था कि जो बुद्ध का धम्म है वो हमें तालियों से सभी जो फॉरेन डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं